हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबको चैनल में आपका स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी ऑन 5, इसका आज हम रिव्यू लेके आए हैं आपके सामने, जो कि हमने 1 महीना यूज़ किया है। और इसके या बॉक्स पे आप मेंशन देखेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी ऑन 5 8 GB है ये, और लार्ज 126.7 mm, आई थिंक 5.5 इंच इसका डिस्प्ले है, 8 MP इसका कैमरा और 5 MP इसका फ्रंट कैमरा है, और 2600 mAh की इसकी बैटरी दी हुई है। LTE सपोर्ट करता है, 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है इसमें, और HDTFT डिस्प्ले है, 8 GB इसका मेमोरी है, ड्यूल सिम है, और 14 लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है, ये सब इस पे मेंशन है। और इसमें MRP इसकी दी हुई है 8990, जो कि फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ये देखिए, अभी हम इसको ओपन करते हैं। इसका सेम ये अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने नहीं किया, क्योंकि हम आफ्टर यूज़ इसका रिव्यू करना चाहते थे। पहले बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए, क्विक स्टार्टअप गाइड है इसमें, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें मैनुअल सब कुछ आपको दिया हुआ है कि कैसे सिम लगानी है, कैसे बैटरी और ये सब। ये इसका चार्जर है, बहुत ही अच्छा इसका चार्जर दिया हुआ है। इसकी डेटा केबल है, ये भी अच्छा है। और सैमसंग कभी भी अपना चेंज नहीं करता, ये जो इसका हैंड फ्री है ये मोस्टली यही रहता है। अब हम चलते हैं सीधे अपना फ़ोन पे। ये देखिए, ये फ़ोन काफ़ी अच्छा, इसका लुक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। हमने गोल्डन में ये परचेज किया है, गोल्डन में लिया है। इसका काफ़ी अच्छा डिवाइस है। ये देखिए, साइड में इसका लॉक की है, इससे ही स्विच ऑफ होता है ये। और नीचे इसमें आप देखेंगे 3.5 mm जैक है, और ये चार्जर है, इसमें चार्जर लगता है, और ये माइक है आप देखेंगे। और साइड में हम देखेंगे तो वॉल्यूम रॉकर की है, अप एंड डाउन, और ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है। बैक में इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पीकर है, ये कैमरा है 8 MP, और ये सिंगल LED टोन फ्लैश है। ओके, और फ्रंट में हम देखेंगे, मैंने इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगवाया था, और ये फ्रंट 5 MP कैमरा है, और बैक। और ये देखिए आप, ये इससे आप जा सकते हैं डायरेक्ट मल्टी मल्टी फंक्शन, ये इससे यूज़ हो जाता है। लो लाइट में इसमें ठीक से जज नहीं कर पाएंगे कि कहाँ बैक का है और मल्टीटास्किंग कैसे करना है। एनीवे, हम आपको अंदर से दिखा देते हैं खोल के। ये देखिए, इसमें 2 SIM कार्ड स्लॉट है और 1 मेमोरी कार्ड स्लॉट है। ये बैटरी है, जो कि 2600 mAh की बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप है इसका। और ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें कुछ इनबिल्ड एप्स दिए हुए हैं, जो कि है मिक्स रेडियो म्यूज़िक, माई गैलेक्सी, ओपेरा मैक्स वगैरह, और गूगल ने भी कुछ अपने एप्स दिए हुए हैं, ड्राइव, जीमेल, गूगल, ये सब कुछ जो गूगल देता ही है, और ये सब इसमें काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं इसको आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाके, या इसका वर्जन जो है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन ये है एंड्रॉयड 5.1.1 लॉलीपॉप। ये देखिए आप, ये इसका अपडेट मिलना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका 1 ईयर में कोई अपडेट मिले, बट अब लेटेस्ट वैसे इसमें सॉफ्टवेयर दिया हुआ इन्होंने लॉलीपॉप, इससे लेटेस्ट तो आप मार्शमेलो है, तो उसका अपडेट मिलना कोई अभी कुछ ऐसा, सैमसंग ने कुछ इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और देखिए, इसमें हम आपको दिखाते हैं, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, फ्लाइट मोड वगैरह, मोबाइल डाटा सेविंग इसमें, और बैटरी सेविंग बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओके, एक मेन मैं आपको जो बता देता हूँ, स्टोरेज इसमें दिखाने के लिए बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, ये देखिए। और बैटरी डेटा सेविंग, बैटरी यूसेज ये इसमें सैमसंग ने चेंज किया है काफ़ी। इसमें 8 GB मेमोरी है और 1.5 GB इसका रैम है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें 2 कलर में ये आता है आपके, गोल्ड और ब्लैक में। 5 इंच इसका TFT डिस्प्ले है, जो ड्यूल सिम सपोर्ट करता है, और अच्छा है। इसका प्राइस 8990 है, जो सिर्फ फ्लिपकार्ट पर है। इसका वेट काफ़ी लाइट है, 1.49 GM है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें यूज़ के लिए आपको 4.34 GB यूज़ के लिए मिलता है। लॉलीपॉप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 1.3 GHz प्लस हेक्सानोस का प्रोसेसर है, 3475 क्वाड कोर प्रोसेसर है इसका। इसमें प्री लोडेड कुछ एप्स वगैरह दी हुई हैं, मिक्स रेडियो वगैरह, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। बैक कवर इसका काफ़ी मैटी है, अच्छा है, फिनिशिंग है। ये देखिए, मैं हटा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी मैटी है, अच्छा है, ग्रिप इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है।
और सैमसंग ने एक नोटिफिकेशन लाइट, जो नोटिफिकेशन है बहुत ही कम दिए हैं इसमें, नोटिफिकेशन कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया सैमसंग ने इसमें, ऑटो ब्राइटनेस भी नहीं दिया सैमसंग ने, मैं इसमें खामियां आपको बता रहा हूँ, और सिर्फ ओनली 8 GB मेमोरी इसमें दिया है, जो कि बट एक्सपेंड कर सकते हैं, बट 8 GB इंटरनल है। बट इसमें एक बेनिफिट है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें विदाउट रूटिंग आप लाइक एप्लीकेशन में जाएंगे तो सिंपल आपको क्या करना होगा, ऑल एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये देखिए कुछ इसमें मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है पहले से, रनिंग है, एसडी कार्ड है, डाउनलोड है, जो कि आप क्लिक करेंगे तो मूव टू एसडी कार्ड, आप इसमें डायरेक्ट मूव कर सकते हैं एसडी कार्ड में अपने, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देखिए मैंने ये मूव टू डिवाइस है, मैंने ये एसडी कार्ड में किया हुआ है, तो इसको अब मूव टू डिवाइस करना होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मूविंग हो गया है अब डिवाइस में, ये कलर फोटो एडिटर, एक फोटो एडिटर है जो कि हमने यूज़ किया इसमें, एस फोल्ड वगैरह हमने काफ़ी कुछ यूज़ किया और काफ़ी अच्छे से इसने टास्क क्लियर किए हैं काफ़ी बहुत सारे, और डिज़ाइन लैंग्वेज इसका काफ़ी अच्छा है। ये देखिए अब ये आ गया है मूव टू एसडी कार्ड, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एसडी कार्ड में मूव हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा ये। अब ये मूविंग चल रहा है कि एसडी कार्ड में जा रहा है, ये देखिए आप किस तरीके से, मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कुछ एसडी कार्ड के ऐप्स हैं। ये देखिए ये कलर फोटो यहाँ पर एडिटर आ गया है, बट वो मूव हो रहा है तो इसका पूरा केबी नहीं आया। अब ये देखिए मैंने कुछ गेम्स डाले हुए हैं इसमें, ये देखिए 42 पॉइंट आप देख रहे हैं कि 42.88 MB है, ये देखिए कलर फोटो एडिटर 26 MB एसडी कार्ड में, ये एसडी कार्ड आप देख रहे हैं ये सब कुछ इसमें एसडी कार्ड में, और इसका लैग लैग नहीं करता है बिल्कुल भी, लैग की बात करें तो मल्टीटास्किंग बहुत ही अच्छे से होती है इसकी, बिल्कुल भी लैग नहीं करता ये। मैंने कैमरा ऑन किया है इसका, सब कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, कैमरा भी इसका काफ़ी कैमरा क्वालिटी अच्छा है, ये कलर टोन इसका काफ़ी अच्छा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है, और ये मैं आपको फ्रंट कैमरे का कुछ इसमें फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरे की अभी कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास हाँ ये हैं इसमें, ये देखिए ये फ्रंट कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा है, फ्रंट कैमरा लो लाइट में हमने फ्रंट कैमरे की फ़ोटो ली है, काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन कैमरा है इसका, और हम कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये फोटो मोड पे किया हुआ है हमने, ये देखिए कैमरा क्वालिटी इसका काफी अच्छा है, यस तो काफ़ी अच्छा है। मैंने कुछ ऐप्स इसमें किया हुआ है, वह कोई लैग नहीं करता, और हमने इसमें एसफॉल्ट चलाया और सबवे सफ़र और टेंपल रन वगैरह इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने रन किया एक साथ, तो इसमें कोई लैग नहीं करता, ये बहुत ही अच्छे से प्ले करता है। ये देखिए मैं आपको गेम, एक सिंपल सा गेम इसमें खेल के दिखाता हूँ, जो कि हिल क्लाइंब रेसिंग है, ये तो आपने गेम देखा ही होगा, बहुत से लोग इसको खेलते भी होंगे। ये गेम काफ़ी अच्छा लगता है, ओहो इट्स ओवर। तो अभी हम आपको इसमें यूट्यूब वगैरह वी एल सी वगैरह मैंने सब कुछ डाला हुआ है इसमें, और मैं इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में, और देखिए इसमें हम चलते हैं, इसमें स्मार्ट मैनेजर है, ये काफ़ी अच्छा है इसमें, इसमें अलग से कोई लॉन्च क्लीनर नहीं डालना पड़ता आपको, सिंपल क्या करना होता है यहाँ पर क्लीन ऑल कीजिए और ये क्लीन हो जाता है, बैटरी भी, स्टोरेज भी, रैम भी फ्री हो जाती है, और डिवाइस मतलब ऑलमोस्ट सभी इसमें फ्री हो जाता है, हमें अलग अलग कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है तो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप क्लीन ऑल कीजिए और सब कुछ क्लीन हो जाता है, रैम भी फ्री हो जाती है आपकी, बैटरी भी और स्टोरेज वगैरह बहुत अच्छे से फिर इसमें रन करता है सब कुछ, और बहुत ही अच्छा है, वन हैंड आपको इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल, इसका साइज़ भी काफ़ी सफिशेंट है, ये देखिए वन हैंड आप इसको सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए कीपैड वगैरह आप आराम से इसमें कांटेक्ट में जा सकते हैं, वन हैंड से ही आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं, और डिस्प्ले डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है इसमें, 5 फुल HD डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा है रेजोल्यूशन इसका, काफ़ी व्यू एंगल वगैरह बहुत अच्छा है, मल्टीटास्किंग की बात की जाए तो मल्टीटास्किंग भी बहुत ही अच्छे से कर लेता है ये, देखिए हम बीच में से कभी भी मल्टीटास्किंग इसमें से करते हैं तो बहुत ही अच्छे से, ये देखिए
सिंपल तरीके से ये मल्टीटास्किंग कर रहा है, बहुत ही इसमें लैग नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि इसका 1.3 GHz प्रोसेसर 1.5 GB रैम के साथ दिया हुआ है, तो काफ़ी है, अच्छा है। और अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड है इसमें, ये तो आजकल सैमसंग वाले सभी देते हैं अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड। ऊपर से ही आपका देखो नोटिफिकेशन में आएगा ये अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, इसको ऑन कर देंगे तो हम ये ऑन हो जाता है। इसमें क्या है, कंज्यूमिंग आपको जो डेटा है वो पीछे जो बैक की एप्लीकेशन है वो ज़्यादा रन नहीं करता, और इसमें आपका डेटा बचाता रहता है। 128 GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये OTGB भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, ये मैंने OTGB लगाया है इसमें, ये देखिए। और हम जाएंगे, ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है, इसमें कोई एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं इसका आपको साउंड क्वालिटी भी सुना देता हूँ। स्पीकर का साउंड क्वालिटी इसका इतना अच्छा नहीं है, जी हाँ स्पीकर का इतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं है, बट आप कोई अच्छा सा हेडफोन लेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी बेहतरीन साउंड इसका देखने को मिलता है। ये देखिए OTG बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, इसमें कुछ भी कॉपी करते हैं हम बहुत ही जल्दी, ये देखिए। ठीक है मैं आपको ये कॉपी भी आपको इसमें करके दिखाऊंगा, ये देखिए छोटा कोई फाइल करके दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे से जाता है। ये आप सिलेक्ट करते हैं दो तीन फाइल, तो SD कार्ड में हम म्यूजिक में डाल देते हैं। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 8, 5, 6 एट सॉन्ग है जो कि बहुत ही अच्छे से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से कॉपी हो गए हैं, कुछ सेकंड ही लगे हैं, 30 सेकंड भी नहीं लगे, जिससे पहले कि 8, 9 सॉन्ग इसमें कॉपी हो गए। जो सॉन्ग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वो 3 से 5 से 10 MB का एक सॉन्ग है। और ये हम अपने आपके सामने रिव्यू इसका हो गया है पूरा, तो आपको अगर ये बाय करना है तो आप अच्छे से फ्लिपकार्ट से इसको आप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने हमारा रिव्यू देखा, और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ आप लाइक, और नीचे आपका सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं ऐसे ही आपके रिव्यूज़ लेकर आऊँगा, बट मैं आप ज़्यादातर फ़ोन्स के रिव्यू लेके आता हूँ वो यूज़ करने के बाद, कि आपको यूज़ करने के बाद कैसा उसमें हमने यूज़ किया है, क्या क्या उसमें खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में। ठीक है तो आप देखिए, बट मुझे ये फ़ोन ज़्यादातर अच्छा लगा है कि क्यों, इसकी बैटरी बैकअप है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन बैटरी बैकअप है, 2 दिन इसका बैटरी बैकअप चलता है। तो आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से आप ज़रूर परचेज कीजिए। ओके से ओके, बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।